हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइट वंडर। सो गाइस, आज की वीडियो का कंटेंट होने वाला है फैशन बेसिक, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी कुर्ती है जो कि पुरानी हो चुकी है, आप बहुत दिनों से उसे एक ही तरह से यूज़ कर रहे हो, एक ही स्टाइल में यूज़ कर रहे हो और आप उसे उस तरीके से यूज़ करते हुए बोर हो चुके हो, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स एंड आइडियाज़ देने वाली हूँ जो कि आप इस्तेमाल करके उस कुर्ती को फिर से रीयूज़ करोगे एक बिल्कुल नए तरीके से। आप उसे एक अच्छा सा बेहतरीन मेकओवर दे सकते हो ताकि आपको भी उसे पहनने में अच्छा लगे और शायद सामने वालों को पता भी ना चले। तो गाइस, ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। बात करते हैं स्ट्रेट कुर्तीज़ की या ए लाइन कुर्तीज़ की। तो गाइस, मैं बता दूं कि मैं पर्सनली स्ट्रेट कुर्तीज़ और ए लाइन कुर्तीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो उसके स्लीव्स जो होते हैं वो कभी कभी थर्ड क्वार्टर होते हैं तो कभी कभी फुल स्लीव होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास इस तरह की कोई स्ट्रेट कुर्ती है घर में, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसके स्लीव में चेंजेस ला सकते हो। अगर वो फुल स्लीव की है तो आप उसे शॉर्ट स्लीव कर सकते हो, इसके साथ ही आप उसे स्लीवलेस भी बना सकते हो। तो मैं बता दूं कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है मैंने पर्सनली किया हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे पास एक पुरानी कुर्ती है जो कि मैं बहुत पहले से यूज़ किया करती थी। तो मैं बता दूं गाइस कि इसकी जो स्लीव थी वो शॉर्ट स्लीव थी, तो मैं इसे इस तरह से यूज़ करते करते बोर हो चुकी थी। बट इसका फेब्रिक इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मैं इसे रिजेक्ट लिस्ट में नहीं डालना चाहती थी। तो मैंने इसके स्लीव में कुछ बदलाव लाए हैं, तो मैंने इसे बिल्कुल ही स्लीवलेस बना दिया है। और स्ट्रेट कुर्ती के साथ आप एक और बदलाव कर सकते हो कि आप उसमें स्लिट्स लगा सकते हो। स्लिट्स से कहने का मतलब ये है, फ्रंट में ऐसे कट जाता है, आप उसमें स्लिट्स लगवा सकते हो अपने टेलर से, या फिर अगर आप खुद सिलाई जानते हो तो ये स्लिट्स आप खुद भी लगा सकते हो गाइस। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अंदर में आपने अपने लोअर में कॉन्ट्रास्ट कलर का लेगिंग्स पहना हुआ है या कोई पैंट डाला हुआ है तो स्लिट्स की कुर्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप इस तरह से स्लिट्स लगवा करके स्लीव में चेंजेस करके अपनी कुर्ती को फिर से रीयूज़ कर सकते हो, चाहे वो ए लाइन हो तो या फिर स्ट्रेट कुर्तीज़ हो। तो सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग कुर्तीज़ की और ऐसी कुर्तीज़ की जिनके नेक के अराउंड जो होता है एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वहाँ का जो प्रिंट अच्छा होता है या फिर कुछ ऐसा उसमें होता है नेक साइड में डिज़ाइन जो कि आपकी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उन्हें भी रीयूज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि उनके नेक के अराउंड का डिज़ाइन आपको बहुत पसंद है लेकिन आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट उतना चलेगा नहीं भी रहेगा तो चलेगा, तो आप क्या कर सकते हो कि उसे कट करके आप ट्यूनिक का रूप दे सकते हो या एक शॉर्ट कुर्ती बना सकते हो जिसमें नेक का डिज़ाइन आपका बच जाएगा और साथ में जो है आपका वो ऊपर का पार्ट जो है जिसे आपने कट करके बनाया है वो एक ट्यूनिक का रूप ले लेगा। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि मैंने भी अपने साथ ही कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है। तो मैं आपको दिखाऊँ कि मेरे पास एक लॉन्ग कुर्ती हुआ करती थी गाइस जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। इसका नेक का पार्ट आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह की कुर्ती जो थी मेरे पास, इसका स्लीव जो था वो काफ़ी लंबा था और ये एकदम ही लॉन्ग कुर्ती हुआ करती थी। तो इसे मैंने एक ट्यूनिक का रूप दिया है और आप देख सकते हो कितना बेहतर लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसका नेक पार्ट वेस्ट करूं और इसे रिजेक्ट लिस्ट में डालूं, बट मैं उसे सेम वे में पहनते पहनते बोर हो चुकी थी तो मुझे कुछ ना कुछ इसका करना था। तो मैंने इसे फाइनली एक ट्यूनिक बना दिया है और इसे मैं हमेशा ड्रैप करती हूँ, कभी कभी घर में भी या फिर कभी बाहर जाती हूँ तो भी मुझे अच्छा लगता है। तो काफ़ी स्मार्टली मैंने इस कुर्ती को रीयूज़ कर लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इस टिप्स को अपने घर में ज़रूर ट्राई करो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऐसी कुर्तीज़ की जो कि प्लेन है या फिर किसी एक कलर में है और सॉलिड कलर में है, और स्पेशली वो प्लेन है तो आप उसे किस तरह से रीयूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की कुर्तियों को गाइस आप कुछ शो बटन ले आ करके, कुछ पॉम्पम्स ले आ करके, कुछ लेस लगा करके आप इसे काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव वे में बना सकते हो और एक डिज़ाइनर कुर्ती का लुक दे सकते हो। तो आप इस तरह की कुर्ती का एक्सपेरिमेंट करो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी एक ये कुर्ती है, इसे मैंने किसी वीडियो में भी पहना था आई थिंक। तो मैं बताऊँ, ये कुर्ती जो है वो काफ़ी प्लेन हुआ करती थी, तो इसमें जो सो बटन्स लगाए हैं ये खुद मैंने लगाए हैं और साथ में एक लटकन भी इसमें लगाया है।
तो ये DIY लटकन है जो कि मैंने ही बनाया था और मैंने इसमें लगाया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास प्लेन कुर्तीज है ऐसे, तो आप इसे लेस के साथ से, कुछ पॉम पॉम्स के साथ से डेकोरेट कर सकते हो। तो पॉम पॉम्स लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं बताऊं कि कुछ कुर्तीज जो है, मल्टी कलर कुर्तीज जो है, उनमें पॉम पॉम्स रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए, मेरे पास एक व्हाइट कुर्ती है, उसमें पॉम पॉम्स है, ये मल्टी कलर पॉम पॉम्स है। तो क्या होता है ना, पॉम पॉम्स लगाते हो तो इसमें बहुत सारे कलर्स रहते हैं। तो आप इस कुर्ती के साथ नीचे में कुछ भी, किसी भी कलर के कपड़ों को पहन सकते हो। जैसे इसमें रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है। तो आपके पास डिफरेंट कलर की चुन्नीस भी हो सकती हैं, डिफरेंट कलर की लेगिंग्स भी हो सकती है, प्लाजोस भी हो सकते हैं। तो आप सारे कलर्स को इस पे चला सकते हो। तो इसलिए पॉम पॉम्स लगाना बहुत ही फायदेमंद होता है, आई थिंक। तो ये मेरे पास एक व्हाइट कुर्ती है, चिकनकारी कुर्ती है, उसमें मल्टी कलर पॉम पॉम्स है। तो इस तरह की कुर्तीज को मैं हमेशा अपने वार्डरोब में रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मैं इसके लोअर पार्ट में कुछ भी डाल सकती हूँ, किसी भी कलर का डाल सकती हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। तो आप भी अपनी प्लेन कुर्तीज को कलरफुल और मल्टी कलर लेसेस के साथ, पॉम पॉम्स के साथ, 100 बटन्स के साथ आप उसे यूटिलाइज करो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं बता दूँ गाइस कि कुछ खास तरह की कुर्तियाँ होती है जो कि स्ट्रेट कुर्तीज होती हैं, या फिर उनमें अनबॉर्डरीज अच्छे होते हैं, या फिर प्रिंट्स अच्छे होते हैं, तो आप उन्हें ओपन जैकेट का भी रूप दे सकते हो। यस गाइस, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वाली कुर्ती में बताया कि आप उसमें स्लिट्स डलवा सकते हो, तो फ्रंट स्लिट्स डलवाते हो, बैक स्लिट्स भी डलवा सकते हो। आप ए लाइन कुर्तीज़ में मल्टीपल स्लिट्स भी डलवा सकते हो। तो मैं बताऊँ कि मेरे पास एक ऐसी कुर्ती है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये काफ़ी ब्यूटीफुल कुर्ती है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसे बीचों बीच एक कट दे सकते हो, और कट दे करके आप इसे एज एन ओपन जैकेट पहन सकते हो। आप नीचे में पहले दूसरी कुर्ती पहनो इसके कॉन्ट्रास्ट कलर की, देयर आफ्टर आप इसे एज एन ओपन जैकेट पहनो, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखाती हूँ, ओपन जैकेट्स की भी कुर्तियाँ आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब मैं बताऊं गैस कि एक और स्मार्ट आइडिया है आपको अपनी पुरानी कुर्ती को रीयूज करने का। पहला मैं बता दूं कि जैसे कि आप कोई कुर्ती है उसे किसी खास सेट्स के साथ हमेशा से यूज़ कर रहे हो। जैसे मैं बताऊं कि इस कुर्ती को मैं एक लेगिंग्स के साथ कैरी करती थी, तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने इसके सेट्स चेंज कर दिए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था वो, तो मैंने इसे पटियाला और चुन्नी के साथ कैरी करना शुरू कर दिया है। तो ये कम्प्लीट एक सूट का लुक दे देता है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट आइडिया है आपकी पुरानी कुर्तीज़ को रीयूज करने का। और तरीके होते हैं जो कि हम अपनी पुरानी कुर्तियों को रीयूज करते हैं और सामने वाले को थोड़ा सा धोखा दे जाते हैं कि हमने वही पहन रखा है। तो इसके लिए हम अपनी कुर्तीज़ पे स्ट्रक्स पहन सकते हैं, एथनिक जैकेट्स भी पहन सकते हैं। सो गाइस, फाइनली हम बात कर लेते हैं अनारकली कुर्तीज़ की। आज से 2-3 साल पहले अनारकली सूट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थे, अनारकली कुर्तीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी, जो कि हम बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके उन्हें खरीदते थे। बट आज ऐसा हो गया है कि वो सारी कुर्तियाँ जो है बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी हैं। तो अब हमने इतना पैसा उनमें खर्च कर लिया है, तो अब हम उन कुर्तीज़ उन सूट्स का क्या करें। तो मैं बताऊँ गाइस कि अगर आपकी अनारकली कुर्ती का जो अपर पार्ट है वो काफ़ी अच्छा है, उसकी एम्ब्रॉयडरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसके फैब्रिक डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप उसे एक ब्लाउज की तरह कट करवा सकते हो। और आपको जो भी थोड़ा सा फैब्रिक नीचे की ओर कम पड़ रहा है, आप उसमें क्या कर सकते हो कि मल्टी कलर लेस या फिर उससे मिलता जुलता वह कोई लेस लगवा करके, फैब्रिक बढ़ा करके, आप अपने टेलर से कह के उसके लिए उसके से एक ब्लाउज क्रिएट करवाओ जो कि आप साड़ीज के साथ इजीली कैरी कर पाओ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपकी अनारकली कुर्ती का घेरा बहुत अच्छा है तो आप उसे स्कर्ट की तरह यूज कर सकते हो, उसका स्कर्ट कटवा लो। ऊपर बेल्ट में आप क्या कर सकते हो कि आप फैब्रिक थोड़ा सा बढ़ा दो, मिलता जुलता हुआ फैब्रिक खरीद के, लेस खरीद के आप उसे एक पूरी तरह से स्कर्ट बना दो, या फिर पूरी तरह से घाघरा बना दो या लहंगा बना दो, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आपके पास हो जाएंगे ब्लाउज, फिर हो जाएगा आपके पास लहंगा। तो आपको बस क्या करना है कि एक अच्छे से चुन्नी खरीदनी है जो उसके साथ काफी अच्छे से चल जाए, तो आप उसे क्रिएट कर सकते हो एक DIY लहंगा। तो इस तरह से आपका लहंगा क्रिएट हो सकता है, आपका एक स्कर्ट क्रिएट हो सकता है, आपके लिए एक ब्लाउज भी क्रिएट हो सकता है। तो आपकी अनारकली कुर्ती जो है वो वेस्ट नहीं जाएंगी, आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएंगे। सो गाइस, आज का मेरा वीडियो था जिसमें मैंने बताया कि आप अपनी पुरानी डिफरेंट कुर्तीज़ को, जो कि स्ट्रेट है, ए लाइन है, अनारकली है या फिर लॉन्ग कुर्ती है, आप किस तरह से उन्हें रीयूज करोगे, बिल्कुल ही एक नया मेकओवर देते हुए, बिल्कुल ही एक नए तरीके से।
सो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मेरे टिप्स एंड आइडियाज़ को यूज़ करके आप भी अपने घर की पुरानी कुर्ती को, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगती है आपको पहनते हुए, तो आप उसे एक बिल्कुल ही नया मेकओवर दोगे और यूज़ भी करोगे। आई होप कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय।